हरदा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बाल स्वयं सेवकों का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदू संस्कृति रक्षा और भारतीय संस्कृति के प्रति बच्चों में चेतना जगाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पथ संचलन में 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बाल स्वयं सेवकों का पथ संचलन निकाला। इससे पहले शिविर के महाप्रबंधक राहुल अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में विविधता होने के बावजूद एकता का संदेश रहता है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि अपनी संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कारवान बनाना, अपनी संस्कृति की जड़ों को पहचानने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। शहर के सनफ्लावर स्कूल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय शीतकालीन शिविर में जिले भर में लगने वाली शाखाओं के कक्षा 8वीं से 12वीं क्लास के पढ़ने वाले स्वयं सेवक शामिल हुए। शिविर के दौरान अलग अलग सत्रों में उन्हें राष्ट्रभक्ति एवं देश प्रेम को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिविर के दूसरे दिन शाम को बाल स्वयं सेवकों ने शहर में पथ संचलन निकाल कर कदम ताल किया है। नगर में कदम ताल करते हुए निकले बाल स्वयं सेवकों को जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पथ संचलन नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 3 से प्रारंभ हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए पुनः नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 4 पहुंचा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।